नहीं ये सारे चीजें। चैनल जिसका नाम है मृणाल दा ब्लॉगर। हमारा प्लानिंग तो 11 तारीख को था, लेकिन एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि कल हमारा प्लानिंग अचानक कल ही प्लानिंग बन गया 10 तारीख को, तो इसीलिए मैं आज ही ये वीडियो में यहाँ पे डालना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रास्ते के बारे में कि आप कौन से रास्ते से आप तवांग जा सकते हैं। सबसे पहला इस अप्रैल महीने में आप सिर्फ दो ही रास्ते से, नॉर्मली तो दो ही रास्ते होते हैं मेनली, आप अगर बताने के लिए जाओ, एक रास्ता होता है आप उदालगुड़ी से जा सकते हैं गुवाहाटी, तो उदालगुड़ी से लेकर तवांग जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है आप गुवाहाटी से तेजपुर होकर आप तवांग जा सकते हैं। लेकिन अप्रैल महीने में अगर आप अप्रैल महीने में जाने की सोच रहे हैं तो आपको उदालगुड़ी के रास्ते से जाना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आप मौसम उतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए रास्ते का बहुत रिस्की हो जाता है। तो सबसे बेस्ट आइडिया है आप तेजपुर से जाइए। यहाँ से हम तेजपुर होके तवांग कैसे जाते हैं उसका मैं आपको फोटो देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे जो फोटो दिखाया वहां पे आप सबसे पहला रास्ता लेंगे। हम लोग पहला दिन जर्नी करेंगे गुवाहाटी से लेके तेजपुर तक, दूसरा डे हम लोग करेंगे तेजपुर से लेके दिरांग तक, एंड तीसरा डे जो होगा हमारा वो होगा दिरांग से लेके तवांग तक। ये हमारा तीन दिन का राइड होगा। तीन दिन के राइड होने की वजह से हमारा जो थोड़ा थकान जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग तीन डिवाइड कर देते तो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता, हमें रात को भी उतना राइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं कि हमें अपने बचाव के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपने रक्षा के लिए कौन कौन से चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला ये मेरा हेलमेट, उसके बाद दूसरा ये है मेरा जैकेट, उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ये है नी गार्ड, जो मेरा है नी गार्ड। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक अच्छा बूट, ऐसा जो मेरा है अभी फिलहाल। ये हुआ आपका सिक्योरिटी की, जो जो चीज आपके सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कि हम लोग यहाँ से जाते वक्त हमें क्या क्या कौन से चीजें हमारे साथ रहना जरूरी है। सबसे पहला चीज ये है हमारे पास बंजी रोपिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी है बंजी रोपिंग, जो यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके का बंजी रोपिंग। बंजी रोपिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब आपके पास अगर सैडल बैग नहीं है तो बंजी रोपिंग आपका बहुत काम देगा, क्योंकि पीछे आप जो बैग रखेंगे वो चीज वहाँ पे लगा सकते हैं, आप अपने बैग को आराम से अच्छी तरीके से बांध सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये, जो आपको वहाँ पे बहुत जरूरी पड़ सकता है, तो रेनकोट आपके साथ रखना एक जरूरी है। उसके बाद तीसरा है चीज आपका ये जो प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से प्लास्टिक क्या होगा, आप यहाँ पे जो बैग हमारा जो बैग पीछे लगाएंगे या तो सैडल बैग होगा या जो भी बैग होगा उसको अच्छी तरीके से पानी से बचाने के लिए वो भी बैग यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद होगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है, सॉक्स मतलब मोजे, जो आपके पास मिनिमम तीन जोड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको अगर आपका शू में अगर आपको पानी घुस गया तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। अभी आते हैं कि हमारे कपड़े के ऊपर, जो हम लोग क्या क्या पहन के हम लोगों को वहाँ पे कितने सारे कपड़े लेके जाना जरूरी है। अगर आपका प्लानिंग आप लोग पकड़ लीजिए गुवाहाटी तवांग हमें जाने में तीन दिन लग जाएगा, आने में तीन दिन, अगर वहाँ पे रहने का प्लानिंग आपका अगर एक या दो दिन है, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक या दो दिन या तीन दिन का अगर प्लानिंग है, टोटल अगर जर्नी का प्लानिंग अगर आपका एक हफ्ते से लेके सात दिन से लेके आठ दिन का प्लानिंग है, तो आप लोगों को ज्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है दो जींस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, एक जींस होगा आपके लिए जो आप राइड में चलाते वक्त जो आप जींस पहनेंगे, और दूसरा जींस होगा आपको आप अगर वहां पे होटल में या वहां पे अगर कोई जगह रात को शाम को अगर निकलते हैं घूमने के लिए वो जींस ले सकते हैं। उसके बाद होगा एक कैजुअल शू, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैजुअल शू, मतलब वहां पे घूमने के लिए, जब जब आप राइडिंग के वक्त नहीं आप घूमने के वक्त वो चीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका मिनिमम दो हाफ पैंट, मतलब हाफ पैंट जिसको बोलते हैं शॉर्ट्स, आपको उसके पैर अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रात को काम आएगा, सोने के वक्त काम आएगा बहुत। उसके बाद आपके पास शैम्पू, उसके बाद वैसलीन, वहाँ पे जो वेदर है बहुत ड्राई है, तो आप ताकि आपका वो वेदर स्किन का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप वैसलीन वगैरह रख सकते हैं, फेस वॉश रख सकते हैं आपके पास, आप दो टी शर्ट आपको रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका दो छोटे छोटे पॉलिथीन के बैग्स रखना जरूरी है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो चुका तो आप वहाँ पे अपने मोबाइल फोन या वॉलेट को आप इम्पोर्टेंट जितने भी सारे चीजें हैं जिसको आप बिना भिगा कर रखना चाहते हैं वो चीज आप वहाँ पे घुसा के रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत सारे चीजें आपको बता दिया, अगर कुछ चीजें मैं भूल गया तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिस्ट दे दूंगा, कौन कौन से जैकेट, कौन कौन से राइडिंग जैकेट, कौन कौन से हेलमेट, कौन से
हैंड ग्लव्स आपके लिए ज्यादा अच्छे होंगे। मैं ये चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा कल सुबह सुबह हमारा स्टार्ट हो जाएगा जर्नी, जो राइड होगा हमारा, हम कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे, कैसा रोड है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं। मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं अपने ब्लॉग के थ्रू मैं देता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साइड में जो आपको बेल का आइकॉन दिख रहा है वो उसको जरूर दबाना, क्योंकि मैं जब नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसको बेल आइकॉन को जरूर दबाना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।